गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून विद कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक तंदूरी डिश। वैसे तो तंदूरी डिश काफी पसंद किया जाता है नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स के साथ, पर आज हम इसे बनाएंगे पनीर के साथ। आज हम पनीर टिक्का बनाएंगे, काफी अलग तरह का। यह है लहसुनी पनीर टिक्का। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहले एक बर्तन में हम एक कप दही ऐड करेंगे, ये थोड़ा थिक दही है। अब थोड़े सूखे मसाले ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथों से क्रश करके ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें मिलाएंगे हम मस्टर्ड ऑयल और नमक मिला लेंगे इसमें स्वाद अनुसार। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर जो क्यूब्स में कट है, 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज और 2 टमाटर जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। सारी चीजें हम मिक्सर में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसमें हमें बस गार्लिक पेस्ट ही यूज करना है, जिंजर नहीं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है टिक्का स्टिक्स। अब इसमें हम सारी चीजें प्लेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने प्लेस किया है पनीर, फिर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। अब इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। आप अपने पसंद से कुछ भी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं, बेल पेपर भी यूज कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से हम बाकी के भी टिक्का लगा के रेडी कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्लेस करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करके हम इस पे लगाएंगे। ये फ्राई होते वक्त बहुत ही कुरकुरे होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, उस पर ऐड करेंगे हम 2 to 3 टेबलस्पून तेल। आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। इस पे हम प्लेस कर देंगे हमारे पनीर टिक्का। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइड से। अब इसे टर्न करके भी हम दूसरे साइड से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। हमारे टिक्कास यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम फाइनल टच देंगे। इसे हम गैस के फ्लेम पे इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से टिक्का का स्मोक आए। ये तैयार है सर्व करने के लिए, तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे पुदीने की चटनी के साथ। If you like this recipe, then don't forget to subscribe my channel. Till then, thank you. Take care. Bye-bye.